अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थोड़ा वेट कीजिएगा सर, अभी आ रहे हैं। थैंक यू। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। नाउ यू कैन अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? अरे सर, आपकी बस जी। ठीक है ठीक है, बस हम स्टार्ट करते हैं जी विद इन अ मिनट। आते ही एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर दिस इज माय फर्स्ट क्लास। चले कोई मसला नहीं है, अभी हमने सिर्फ सिलेबस का 10-15% ऑलमोस्ट हमने कवर किया है। सिलेबस अभी बहुत पढ़ा हुआ है और ये जितना पोर्शन हमने पढ़ा है ये अगले टॉपिक्स में बार बार रिपीट होना है, तो आपको ये समझ आती जाएगी। फिर भी अगर कोई मसला रह गया तो उसे सिलेबस के आखिर पे देखेंगे। तो अभी आप आज की क्लास तो प्रैक्टिस सेशन है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है उन सारी चीज़ों की आज प्रैक्टिस है। तो आप अभी बस कोशिश करें कि आज का आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए। कल से हम जो स्टार्ट करेंगे वो एक नया टॉपिक होगा, तो कल से इंशाल्लाह वो इशू नहीं आएगा। कल से आपको लगेगा कि जैसे आप शुरू से पढ़ रहे हैं, सिर्फ आज के लिए थोड़ा बहुत आपको मसला आएगा क्योंकि आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने करने हैं। हमने पूरा क्लासेस में जितना कुछ हमने पढ़ा है आज हम उसको अप्लाई करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू से लेके अब तक क्लासेस पढ़ी हुई हैं, उनसे ये कहूँगा कि आप आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज जितना कुछ हमने पढ़ा था उन सारे कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन है। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट किया, कॉन्सेप्चुअली हम सब कुछ सीख चुके हैं, आज हम उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। आपके सामने ये जो पेज नजर आ रहा है ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन के एमसीक्यूज हैं। जिस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा ऑलमोस्ट हम उसी तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे आज करने लगे हैं। ये जो बुक्स आपको मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी, गूगल क्लासरूम में भी, ये उसी बुक का मैंने आपके साथ एक चैप्टर शेयर किया है आज, जो हम आज कंप्लीट करेंगे, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। आपको जो मैंने मटेरियल शेयर किया है उसमें एक स्टडी टेक्स्ट है और एक किट है। दो पब्लिशर हैं, कैपलान एंड बीपीपी। तो आपको कैपलान की दो फाइल्स मिलेंगी और दो ही बीपीपी की, एक टेक्स्ट है और एक रिवीजन किट है। टेक्स्ट हम कहेंगे जो आप समझे कि जिस तरह टेक्स्ट बुक होती है जो किताब आप पढ़ते हैं, और रिवीजन किट हम कहते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो ये F2 कैपलान की रिवीजन किट का क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट हो रहा है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। इसका पेज नंबर भी बॉटम पे लिखा होगा। आपको जो मैंने फाइल सेंड की है ये मैंने उसी से सेपरेट किया है कॉस्ट क्लासिफिकेशन को। पेज नंबर 12 पे है, आप सब लोगों को ये मटेरियल ऑलरेडी मैंने गूगल क्लासरूम में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया हुआ है। मैं स्टार्ट करता हूँ जी पहले सवाल से। द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले आपने सवाल को अंडरस्टैंड करना है कि सवाल में उसने क्या बताया है और वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
जैसा कि आपको याद होगा, जब मैंने आपको ग्राफ पढ़ाए थे तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको ग्राफ बनाना नहीं है, आपको एक ग्राफ दिखाया जाएगा, आपने उस ग्राफ से बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है। अब आप जरा स्क्रीन को देखें तो ये जो पॉइंट है ये शो कर रहा है कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये जो स्लोप है ये शो कर रही है वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन ये स्लोप अगर तो सीधी चलती, इस तरह चलती, तो ये वेरिएबल ही थी, लेकिन अब ये स्लोप थोड़ी डाउन हो गई है। इस डाउन होने का मतलब ये है कि जब आप यहां पहुंचे ना, इस लेवल पे आप पहुंचे, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट का पहले से कम हो गई, तभी ये एरो जो लाइन है ये डाउन नजर आ रही है। तो इसका मतलब है ये एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर फिक्स्ड भी है वेरिएबल भी है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट एक खास लेवल के बाद कम हो रही है। तो हमने इसकी शक्ल पहचान ली कि ये कौन है, ये एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी है वेरिएबल कॉस्ट भी है, बट वेरिएबल कॉस्ट एक खास लेवल के बाद डाउन हो रही है। अब आपके सामने मैं इसकी चारों ऑप्शंस रखता हूं, अब आप ऑप्शंस को सुनिएगा देखिएगा भी। ए, एनुअल टोटल कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री पावर वेयर द सप्लायर सेट्स अ टैरिफ बेस्ड ऑन फिक्स्ड चार्ज प्लस अ कांस्टेंट यूनिट कॉस्ट फॉर अ कंजम्पशन व्हिच इज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम एनुअल चार्ज। कहता है ये जो ग्राफ है ये एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर फैक्ट्री की पावर की कॉस्ट को शो किया गया है, जिसके अंदर एक फिक्स्ड पोर्शन है, फिर वेरिएबल है और फिर एक मैक्सिमम है। तो ये ए ऑप्शन नहीं है, मैक्सिमम होता अगर मैं आपको ये इसका ग्राफ बना के दिखाऊं ए ऑप्शन का, तो ये ग्राफ इस तरह होना था कि ये फिक्स्ड है, उसके बाद वेरिएबल थी और उसके बाद ये मैक्सिमम चार्ज का मतलब है स्ट्रेट चलेगी। ए ऑप्शन वाला ग्राफ इस तरह नहीं, ऊपर वाले ग्राफ में ये जो पोर्शन बन रहा है इतना ये डाउन हुआ है, ये स्ट्रेट नहीं है, जबकि ऑप्शन ए ये कह रही है कि इसके अंदर फिक्स्ड है वेरिएबल है अप टू अ मैक्सिमम चार्ज, यानी कॉस्ट एक सर्टन लेवल के बाद फिक्स रहेगी, जबकि ऐसा नहीं है वो इस शक्ल में। सो ए इज नॉट द राइट आंसर। बी, टोटल एनुअल डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट वेयर द सप्लायर चार्जेस अ कॉन्स्टेंट अमाउंट पर यूनिट देन reduces a lower amount per unit, नहीं, ये ग्राफ जो है बी ऑप्शन का ग्राफ अगर हम बनाते तो बी ऑप्शन का ग्राफ ऐसे होना था कि ये मटेरियल की कॉस्ट है ये जीरो से चलना था, ये ग्राफ जीरो से चलना था और फिर एक खास लेवल के बाद कम होना था फिर ऐसे चलना था, तो ये बी ऑप्शन भी ऐसा ग्राफ नहीं है। टोटल एनुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेयर द सप्लायर चार्जेस अ कांस्टेंट अमाउंट पर यूनिट बट व्हेन परचेजेस एक्सीड द सर्टेन लेवल लोअर अमाउंट पर यूनिट विल अप्लाई। तो अगर सी पार्ट को ग्राफ की शक्ल देते तो सी पार्ट का ग्राफ ऐसे बनना था कि ये एक वेरिएबल है, कहता है मटीरियल की कॉस्ट है जो सप्लायर चार्ज करता है पर यूनिट सेम, जब एक सर्टेन लेवल से एक्सीड करती है तो फिर कम होता है, तो फिर इसकी लाइन इस तरह होनी थी और फिर एक सर्टन लेवल के बाद स्लोप डाउन होनी थी, तो ये ग्राफ ऐसा भी नहीं है। डी पार्ट देखते हैं, एनुअल टोटल कॉस्ट ऑफ द टेलीफोन सर्विसेज वेयर आयर मेक्स अ फिक्स्ड चार्ज देन यूनिट रेट अप टू अ सर्टन लेवल दिस रेट रिड्यूसेस पर ऑल कॉल्स अबव दिस लेवल। बिल्कुल ठीक कहा है कि ये एक टेलीफोन का बिल है जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी है वेरिएबल कॉस्ट भी है, लेकिन जैसे ही एक खास लेवल से आगे जाएगा वो वेरिएबल कॉस्ट जाएगी, और यही मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया था। सो दिस ग्राफ शोज द डी ऑप्शन। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों ने एमसीक्यूज को ग्राफिकली अगर पाए तो आपने सुनना है कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। हमने बड़े एहतियात से डी ऑप्शन के ए ऑप्शन होती तो वो ये ग्राफ होना था, बी ऑप्शन होती तो वो ग्राफ इस तरह का होना था, सी ऑप्शन होती तो ग्राफ इस तरह का होना था, तो ये जो है ये डी ऑप्शन है। तो आपको इसी तरह पेपर में क्वेश्चन
में से पहचानना है कि हमें कौन सी ऑप्शन को टिक करना है। आपने सॉल्यूशन करते वक्त ये कोई ग्राफ नहीं बनाने, आपसे कोई डिमांड नहीं किया जाएगा, जस्ट यू नीड टू क्लिक द राइट आंसर। जी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, अपने हैंडआउट्स में एक्टिविटी में लिखा हुआ था, जब जिसमें था कि जब आपके यूनिट 11,000 से बढ़ेंगे तो 10% स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, देख लीजिएगा। तो ये होम असाइनमेंट है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40, अ फर्म हैज $5 पर यूनिट टू द इन्वेंटर ऑफ अ डिवाइस विच इट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स। आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ा कि अगर आप कोई शर्ट बनाते हैं तो डिजाइन कराना पड़ता है, इसी तरह कोई डिवाइस बनवाई है तो वो डिवाइस का डिजाइन किसी ने बनाया है, उस डिजाइनर को आप रॉयल्टी पे करते हो क्योंकि आप उसका डिजाइन यूज कर रहे हो, और वो रॉयल्टी है 0.5 पर यूनिट। अब कहता है हाउ वुड द रॉयल्टी चार्ज बी क्लासिफाइड इन द फर्म्स अकाउंट। तो हमें पता है कि हमने इसे डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम दिया था, क्योंकि रॉयल्टी ना मटेरियल की कॉस्ट है ना लेबर की कॉस्ट है, ये एक्सपेंस है। हर वो चीज जो ना मटेरियल हो ना लेबर हो वो एक्सपेंस होती है, और क्योंकि ये पर यूनिट है, जितने ज्यादा यूनिट होंगे उतनी ज्यादा रॉयल्टी बनेगी, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा जी, प्लेंट पीएलसी प्रोड्यूसेस कार्स एंड मोटर बाइक्स, ये कंपनी का नाम प्लेंट है, ये कार बनाती है और मोटर बाइक्स बनाती है। द कंपनी इज स्प्लिट इनटू 4 डिवीजंस, डिवीजंस कहते हैं हिस्से, डिपार्टमेंट्स। वन इज द कार डिवीजन, मोटर बाइक डिवीजन, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन एंड फिनिशिंग डिवीजन। अब हम पढ़ते हैं कि ये कार डिवीजन के बारे में क्या कहता है, मोटर बाइक के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, फिनिशिंग के बारे में। कार सेल्स डिवीजन, दिस डिपार्टमेंट्स मैनेजर हैज बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेलिंग द कार्स एज वेल एज कीपिंग कंट्रोल ऑफ द डिवीजन्स कॉस्ट। यानी इस बंदे को दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, यानी जो कार सेल डिवीजन का मैनेजर था, इस बंदे को ऑर्गेनाइजेशन ने दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं। नंबर वन कि वो गाड़ियां बेचेगा, सेलिंग द कार, एज वेल एज कीपिंग कंट्रोल ऑफ द डिवीजन्स कॉस्ट। यानी एक उसने गाड़ी भी बेचनी है और उसने कॉस्ट को भी कंट्रोल करना है। ये एक ऐसा मैनेजर हुआ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रेवेन्यू भी है, कॉस्ट भी है। तो अगर एक ऐसा बंदा जो दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो आपको याद होगा उस दिन मैंने पढ़ाया था वो प्रॉफिट सेंटर होता है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन, वो जो मैनेजर होगा वो किस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो प्रॉफिट सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। तो एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपने रेवेन्यू भी डाल दिया, कॉस्ट भी डाल दी, तो इट मींस वो जो डिवीजन है वो एक प्रॉफिट सेंटर है, वो सिर्फ रेवेन्यू सेंटर नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये पहला पॉइंट समझ आ गया होगा, क्योंकि एक मैनेजर दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा तो फिर वो रेवेन्यू सेंटर नहीं है, कॉस्ट सेंटर नहीं है, वो प्रॉफिट सेंटर है। यानी कार सेल्स डिवीजन इज अ प्रॉफिट सेंटर। सेकंड, मोटर बाइक सेल्स डिवीजन, दिस डिपार्टमेंट मैनेजर हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेलिंग द मोटर बाइक्स एज वेल एज कंट्रोलिंग द कॉस्ट। इन एडिशन ही हैज बीन टोल्ड टू प्लान वट एसेट्स ही शुड परचेज फॉर द कमिंग ईयर। अब देखें, मोटर बाइक डिवीजन को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी कि तुमने बेचना भी है, तुमने कॉस्ट भी कंट्रोल करनी है, और तुमने ये भी सोचना है कि तुम आइंदा आने वाले साल में कौन से एसेट खरीदोगे। तो इसका मतलब है ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट सेंटर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेंटर इज अबव ऑल अदर सेंटर्स, जिसके अंडर प्रॉफिट वाले भी आ रहे हैं, रेवेन्यू वाले भी, कॉस्ट वाले भी।
और इसने इन्वेस्टमेंट भी देखनी है, तो एसेट्स का खरीदना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। सो मोटरबाइक सेल्स डिवीजन इज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर। मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, दिस डिवीजन मेक्स द कार्स एंड बाइक्स एंड पासिस देम टू द फिनिशिंग डिवीजन। द डिवीजनल मैनेजर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द डिवीजन्स कॉस्ट। अब ये बिल्कुल आसान सवाल हो गया कि मोटरबाइक सिर्फ कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो दिस इज अ कॉस्ट सेंटर। फिनिशिंग डिवीजन, दिस डिवीजन टेस्ट द कार्स एंड क्लीन्स देम रेडी टू बी सोल्ड। दे ट्रांसफर द गुड्स ऑफ द टू द सेल्स डिवीजन एंड चार्ज द सेल्स डिवीजन अ सेट प्राइस विच इज सेट बाय फिनिशिंग डिवीजन्स मैनेजर। The manager is also responsible for managing the division's cost as well as the investment in divisional assets. अब देखें, ये revenue के लिए भी responsible हुआ, cost के लिए भी और investment. So Finian is an investment center. तो हमने ये कैसा MCQ देखा? ये कैसा MCQ देखा जो हमारा कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का, कि क्या हम इस काबिल हैं कि हम पहचान सकेंगे कॉस्ट सेंटर किसे कहेंगे, प्रॉफिट सेंटर किसे कहेंगे, रेवेन्यू सेंटर किसे कहेंगे, इन्वेस्टमेंट सेंटर किसे कहेंगे। तो आप सिंपल एक बात याद रखिएगा कि अगर एक मैनेजर सिर्फ कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो कॉस्ट सेंटर का मैनेजर है। अगर एक मैनेजर रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के लिए, तो फिर वो रेवेन्यू सेंटर का मैनेजर है। और अगर वो दोनों के लिए, रेवेन्यू और कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देन दिस इज अ प्रॉफिट सेंटर। और अगर उसके स्कोप में न्यू इन्वेस्टमेंट भी दे दी जाए, देन दैट सेंटर विल बी एन इन्वेस्टमेंट सेंटर। Which of the following can be included when valuing the inventory? आपको मैंने उस दिन inventory cost बताई थी कि inventory की cost में कौन कौन सी चीजें आती हैं। आप जरा concept recall करें just for 10 to 20 seconds। आप देखेंगे क्या आप इस काबिल हैं कि आपको पता है कि inventory की cost में कौन कौन सी चीज़? जी, मैंने कमेंट बॉक्स में देखा, एक बच्चे ने कहा है सर मोटर बाइक पे ना आपने दो दफा टिक लगा लिया है, तो वो मेरा ख्याल है मैंने मैन्युफैक्चरिंग का टिक भी मोटर बाइक में लगा दिया। मुझे देख लेना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन जो है वो क्या करती है और मोटर बाइक क्या करता है। जी, मैंने ये वाला टिक जो है ये मैन्युफैक्चरिंग का था जो कि कॉस्ट सेंटर में लगना था, वो बाय मिस्टेक जो है वो टिक कॉस्ट सेंटर में मोटर बाइक के सामने हो गया। जी, अब इन्वेंट्री की कॉस्ट पे वापस आते हैं। इन्वेंट्री की कॉस्ट में हमें पता है डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हमने उस दिन ये पढ़ा था कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आनी होती है, यानी जो बनाने तक के खर्चे हैं। तो बनाने तक के खर्चे ये तीन है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे 1, 2 and 4। सो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। अच्छा, जिन लोगों के पास ये वाली किट प्रिंटेड फॉर्म में है उनको मैं बता दूं कि आपने इस किट पे कोई टिक नहीं करना, अदरवाइज होगा ये जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको आंसर पहले ही पता होगा कि इसका क्या आंसर है। तो आपने अपनी बुक वगैरह पे कहीं पे टिक नहीं करना, इसके आंसर आपको बुक इसी किट के अंदर मौजूद होते हैं आखिर पे, तो इसलिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आप इसको एज इट इज पेपर पे नोट करें उस पे किट पे, यानी अपने पेजेस को खराब नहीं करना जिनके पास ये हार्ड फॉर्म में है। जी, पेज 3, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली क्लासिफाइड एज स्टेप कॉस्ट। रॉ मटेरियल वेरिएबल होता है, रेट टैक्स को कहते हैं, जी टैक्स को रेट भी कहा जाता है, रेट्स। टेलीफोन बिल सेमी वेरिएबल है, हमने बताना है स्टेप कॉस्ट, तो वो ए आंसर है। सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर वेजेस, ये मैंने एग्जांपल भी दी थी स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट की, कि सुपरवाइजर जो है वो एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल को ऑब्जर्व कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। स्क्रीन पे देखें, अब उसने पूछा है कौन सा कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉट बताना है। अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता क्या था, अगर कॉन्सेप्ट आते हैं ना तो एमसीक्यूज मसला ही कोई नहीं है, सिर्फ उस स्टूडेंट के गलत होंगे जिसको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, इसलिए मैं आपको कहता था साथ साथ याद करें। जी कुछ लोगों को रिकॉल हो गया होगा कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट हर वो चीज है जिसकी कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। मसलन किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी हम फाइंड कर सकते हैं, किसी कस्टमर की भी कर सकते हैं, किसी कॉस्ट सेंटर की भी कर सकते हैं। सो हमें इस डेफिनेशन से ही पता चल गया कि इस ऑप्शन में कौन सी चीज कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जी मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं जरा 44 का क्या आंसर होगा। जी शाबाश, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर ठीक है, सी अ मैनेजर। जिन लोगों ने ए ऑप्शन कहा है वो अपने कॉन्सेप्ट को जरा ठीक करें, हैंडआउट से नोट्स पढ़ें। जब आप उस डेफिनेशन पढ़ेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट की तो वहां एग्जांपल में ही कॉस्ट सेंटर लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट हर वो चीज है जिसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो वहां पे मैंने एक स्पेशल वर्ड भी लिखवाया था, सेंटेंस लिखा था कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कॉस्ट सेंटर का ही दूसरा नाम है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली कहते हैं इस चीज को है कि जिस चीज की कॉस्ट फाइंड करनी हो, वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो कोई कस्टमर भी हो सकता है, वो कोई सेंटर भी हो सकता है, यानी डिपार्टमेंट। मैनेजर की कॉस्ट हम नहीं फाइंड कर रहे होते। तो उसने यही पूछा था कि कौन सा नहीं है। सो सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्चर। जी डेप्रिसिएशन क्या होती है, नॉट अ कैश कॉस्ट सो इग्नोर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स, पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, इज अ कैश आउटफ्लो। अब डेप्रिसिएशन आपको पता है कि एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, यानी अगर एक एसेट 1,00,000 रुपए का था, आपने उसे 5 साल इस्तेमाल करना है, तो आप ऐसा करें कि आप उसको 20,000 हर साल एक्सपेंस बना लें। तो ये किसी को पैसे देने तो नहीं होते, इज द कैश फ्लो, ये तो गलत ऑप्शन हो गई। अगर ये डायरेक्ट होती तो फिर प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनती, ये भी आंसर नहीं है। ए ऑप्शन कहता है नॉट अ कैश कॉस्ट, सही है, यहां तक की बात इसकी ठीक है कि ये कैश नहीं है, यानी किसी को पे नहीं करते, सो इट इज इग्नोर्ड, नहीं इग्नोर नहीं किया जाता। इसकी आधी बात ठीक थी, अगली वाली आधी बात गलत है, सो ए भी गलत हो गया। तो हमें याद है वैसे भी कि ये पार्ट ऑफ ओवरहेड्स होता है। अच्छा, इस सवाल से मैंने आपको एक थिंकिंग का स्टाइल दिया, क्या कि अगर आपको कभी एमसीक्यू समझ ना आ रहा हो तो आप उसके गलत ऑप्शंस ढूंढने लग जाएं, एक ऑप्शन बच जाएगा वही सही आंसर होगा। जैसे मैंने समझा कि सपोज करता हूं मुझे डेप्रिसिएशन का नहीं पता कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, सिर्फ इतना पता है कि ये पैसे किसी को देते नहीं है, ये नॉन कैश है, तो डी ऑप्शन कहता है इज अ कैश आउटफ्लो, कहता है पैसे देने होते हैं, नहीं ये गलत कह रहा है, इसको काट दिया। क्या ये पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट है? अब प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन हमें पता है कि इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आने होते हैं। तो मैंने कहा कि डेप्रिसिएशन तो डायरेक्ट नहीं है, ये तो फिक्स्ड होती है, तो ये आंसर भी कट गया। ए ऑप्शन कहता है कि नॉट अ कैश कॉस्ट, बिल्कुल सही है, कैश नहीं होता, लेकिन कहता है तभी हम इसे इग्नोर कर देते हैं, नहीं भाई हम इग्नोर नहीं करते, इसे कॉस्ट का पार्ट बनाना होता है। तो इसकी आधी स्टेटमेंट गलत है, आधी सही है, हमने इसे भी आउट कर दिया। तो एक ही ऑप्शन बची, बी, और ये आपको याद होगा कि हमने इसको ओवरहेड्स में ही लिखा था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड्स होते हैं। Which of the following cost would not be classified as a production overheads? ये जो not वाले question है ना, ये examiner को बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि बच्चे को fail होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसे आता ना हो।
अगर उसका एग्जाम में बैठे हुए ध्यान नहीं है तो वो फिर भी फेल हो सकता है। मसलन मैंने पूछा है कौन सा नहीं है और आपने बता दिया कौन सा है, तो नंबर तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपने क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है कि वो क्या पूछ रहा है। उसने पूछा है कि कौन सी चीज ओवरहेड्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ रेंटिंग द फैक्ट्री बिल्डिंग, तो रेंट तो ओवरहेड्स होते हैं, बिल्कुल सही है, ये ओवरहेड होता है। सैलरी ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर, ये सैलरी है, फिक्स्ड है, ये भी ओवरहेड है। डेप्रिसिएशन ऑफ द इक्विपमेंट लोकेटेड इन मटेरियल स्टोर, द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, तो ये चीज ओवरहेड्स नहीं है, ये डायरेक्ट मटेरियल है। कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कि जोन सी चीज जिससे बनी है, जैसे चेयर जो है वो वुड से बनी है, सो वुड इज एन इंग्रेडिएंट। तो जो कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो डायरेक्ट मटेरियल होता है और वो डायरेक्ट वाली चीजें ओवरहेड्स नहीं होती। तो हमने बताना भी यही था कि कौन सी चीज ओवरहेड नहीं है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट में हमें पता है कि डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होती है, एडमिन कॉस्ट नहीं होती, ओवरहेड्स नहीं होते। तो हमने टू बताने थे, तो ए एंड बी दोनों होते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि प्राइम कॉस्ट में एक तीसरा एलिमेंट भी होता है, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एक दूसरा एलिमेंट होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस ऑप्शन में नहीं है, तो हमने यही दो सेलेक्ट कर लेने हैं। जी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 48, देयर इज टू बी एन इंक्रीज नेक्स्ट ईयर इन द रेंट फ्रॉम 12,000 टू 14,000 फॉर अ वेयरहाउस यूज्ड टू स्टोर फिनिश गुड्स रेडी फॉर सेल। What will be the impact of this increase on the value of inventory manufactured and held in the warehouse? पहले सवाल को समझे फिर रिक्वायरमेंट को समझे, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि मैंने चीजें बना के फिनिश गुड्स को स्टोर किया हुआ है कि बेचने से पहले जहां पे रखते हैं, जैसे एक फैक्ट्री है उसने गोदाम रखा होता है, उस गोदाम का जो किराया है वो 12,000 से बढ़ के 14,000 होने लगा है। अब कहता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका क्या असर होगा किस चीज पे, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अब जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर था ना कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में क्या आता है, वो इस सवाल से कभी गुमराह नहीं होगा। अब हमें पता है कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में बनाने तक की चीजें आती हैं, बनाने तक के खर्चे आते हैं, ये तो बन चुकी है, ये तो बेचने के लिए तैयार पड़ी है, ये सेलिंग कॉस्ट है, तो सेलिंग कॉस्ट इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होती। तो इसलिए इसके किराए के बढ़ने से आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यू में चीजें ही वहां तक की आनी होती है जब तक ये चीज बनती नहीं है, फिनिश गुड्स बनने तक के खर्चे इन्वेंट्री की वैल्यू बनती है। जब एक दफा वो चीज बन गई, आपको साल स्टोर करना पड़ा, दो साल स्टोर करना पड़ा, जितना भी खर्चा हुआ वो सेलिंग कॉस्ट है। सो देयर इज नो चेंज इन द इन्वेंट्री कॉस्ट ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, अब अगले सवाल को देखते हैं। GPLC इज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। मैंने आपको शुरू में बताया था पहले दूसरे लेक्चर में कि हमेशा कॉस्ट अकाउंटिंग में एक सिनेरियो के अंदर सोचना होता है, तो यहाँ पे भी उसने सिनेरियो बता दिया कि ये एक फ्यूचर मैन्युफैक्चरर है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। हाउ वुड ही क्लासिफाई द फॉलोइंग कॉस्ट, डायरेक्टर सैलरी, डायरेक्टर जो है वो सैलरी लेता है। जब भी सैलरी का वर्ड आ जाए, मैंने आपको बताया हुआ है कि सैलरी उसको कहते हैं जो एक सर्टन टाइम की हो, जैसे वीकली, मंथली, एनुअली, तो सैलरी इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये तो सैलरी फिक्स्ड कॉस्ट है। वुड, ये फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, तो फर्नीचर वाले के लिए जो वुड होती है वो वेरिएबल कॉस्ट बनती है, क्योंकि जितना ज्यादा फर्नीचर बनाएगा उतनी ज्यादा लकड़ी चाहिए। रेंट फिक्स्ड होता है। फोन बिल इंक्लूड अ लाइन रेंट, तो फोन बिल हमने बहुत दफा इसकी एग्जाम्पल पढ़ी कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, इसके अंदर फिक्स्ड भी है वेरिएबल भी है। फैक्ट्री वर्कर वेज, ये वेरिएबल है, वर्कर की वेजेस, वेजेस कहते ही उसको हैं जो आर्ली बेसिस हो, यूनिट बेस्ड हो,
डेली बेसिस हो, जैसे पाकिस्तान में डेली वेजेस का कॉन्सेप्ट है कि जितने दिन तुम आओगे उतने दिन के पैसे मिलेंगे, तो ये वेरिएबल है। जो वेजेस होती हैं वो वेरिएबल होती हैं, जो सैलरी का वर्ड है वो फिक्स्ड को शो करता है। तो ये जी हमने बिहेवियर आइडेंटिफाई कर लिया, तो देखें हमसे वो डेफिनेशन नहीं पूछता कि लिखो राइट अ नोट ऑन फिक्स्ड कॉस्ट, राइट अ नोट ऑन वेरिएबल कॉस्ट। तो फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आप लेक्चर ध्यान से सुन लें। The diagram represents the behavior of a cost item as the level of output changes. अच्छा जी देखें ग्राफ में हुआ क्या, ये जो पहला पोर्शन है ये स्लोप शो कर रहा है, फिर ये स्लोप डाउन हुई है, फिर ये स्लोप मजीद डाउन हुई है। इसका मतलब है कि अब हमें एक ऐसी ऑप्शन ढूंढनी है जो स्टेप बाय स्टेप डाउन को शो करे, यानी इसके बाद वो डाउन होता है, फिर दोबारा इस लेवल के बाद वो डाउन हुआ। तो है ये वेरिएबल कॉस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द ग्राफ। डिस्काउंट्स आर रिसीव्ड ऑन एडिशनल परचेजेस ऑफ द मटेरियल व्हेन सर्टेन क्वांटिटीज आर परचेज्ड। बिल्कुल सही लग रहा है मुझे ये ऑप्शन, क्योंकि कहता है ये मटेरियल की कॉस्ट है, जब हम एक सर्टेन लेवल से आगे जाते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, यानी सस्ती हो जाती है, फिर दोबारा आगे जाएंगे फिर सस्ती हो जाएगी। तो मुझे ए आंसर लग रहा है, लेकिन मैं बी और सी और डी को भी पढ़ लूं। एम्प्लॉइज आर पेड ऑन अ गारंटीड वीकली वेजेस। अच्छा गारंटीड का मतलब होता है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे आप स्टोर पे एक लड़के को राज को कहें बेटा तुम्हें 1000 रुपया रोज का दूंगा, लेकिन अगर तुमने ज्यादा यूनिट बेचे तो मैं तुम्हें कमीशन भी दूंगा, लेकिन कम अज कम 1000 रुपया तुम्हें जरूर मिलता रहेगा। तो ये गारंटीड, तो अगर ये गारंटीड होता तो इसका जो ग्राफ होना था वो इस तरह चलना था कि ये तुम्हें गारंटी मिलनी है, उसके ऊपर तुम्हें वेरिएबल भी मिलेगा, तो वो इस तरह का ग्राफ होना था बी ऑप्शन के लिए। तो ये तो ऐसा ग्राफ नहीं है। अ लाइसेंस इज परचेज्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट अलाउज अनलिमिटेड प्रोडक्शन। अच्छा कहता है लाइसेंस हमने खरीदा, ये कौन सा लाइसेंस है? आप सपोज कर लें कि आपने गवर्नमेंट से कहा कि हम ना समुंदर से तेल एक्सट्रैक्ट करेंगे, ऑयल, क्रूड ऑयल की एक्सट्रैक्शन का लाइसेंस ले लिया, तो गवर्नमेंट ने एक ही दफा आपसे सारे पैसे ले लिए और अब आप जितना मर्जी ऑयल एक्सट्रैक्ट करें आपकी कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह चलेगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। कैसे पता चला? इसने लिखा हुआ है लाइसेंस इज परचेज्ड फ्रॉम गवर्नमेंट दैट अलाउज अनलिमिटेड प्रोडक्शन, यानी आप जितना मर्जी प्रोड्यूस कर लें आपकी कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने एक दफा लाइसेंस ले लिया। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट को शो कर रहा है, इसका ग्राफ इस तरह बनना था जो मैंने आपके सामने बना दिया। फिर कहता है एडिशनल स्पेस इज रेंटेड टू कोप विद द नीड ऑफ इंक्रीज। तो वो तो स्टेप कॉस्ट होती है कि पहले फिक्स है, जैसे ही जरूरत पड़ी दोबारा एक और रेंट पे ले लो। तो ये इस तरह होना था डी पार्ट, तो वो शक सही था कि ए पार्ट ही है ये। क्यों? क्योंकि ए पार्ट ये कहता है कि ये मटेरियल की कॉस्ट है, यानी वेरिएबल है, वेरिएबल जीरो से स्टार्ट होती है, सही है, लेकिन कहता है जैसे ही हम ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट के नतीजे में ये स्लोप डाउन होनी है, रेट कम होना है, और हमें पता है जब रेट कम होता है तो स्लोप डाउन होती है। सो 50 का ए आंसर है, लेकिन मैंने आपको बी और सी और डी के भी आंसर जो है वो बना दिए हैं कि बी के लिए ये ग्राफ होना था, सी ऑप्शन के लिए ये ग्राफ होना था, डी ऑप्शन के लिए ये होना था। ये इंजीनियरिंग आपने पेपर में इतनी नहीं करनी, ये सिर्फ आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं कि इस तरीके से इस लाइन का ये मतलब बनता है। तो हम ये आज जो कर रहे हैं वी आर लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस, पहले हम रन कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी, पेज नंबर 50 का, क्वेश्चन 50 का, 51। बी लिमिटेड ऑपरेट्स एन आईटी कंसल्टेंसी बिजनेस एंड यूजेस अ कोडिंग सिस्टम। अब देखें कोडिंग उस दिन पढ़ाया था, तो अब ये कोडिंग का सवाल आ गया। मैंने आपको कहा था कोड बनवाए नहीं जाएंगे, एक सिनेरियो दिया जाएगा और उसके मुतालिक सवाल पूछा जाएगा। For its element of cost, material, labor and overhead, and then further classifies each element by nature. यानी जितने भी material होंगे ना उनको वो code देगा A,
और जो लेबर होगी उसको कोड देगा बी, और ओवरहेड होगा उसको कोड देगा सी। अच्छा, अगर डायरेक्ट मटेरियल हुआ तो उसका कोड होगा 100, अगर इनडायरेक्ट हुआ तो ए 200। इसी तरह लेबर में डायरेक्ट हुई तो 100 और इनडायरेक्ट हुई तो 200, डायरेक्ट हुआ ओवरहेड तो 100 और इनडायरेक्ट हुआ तो 200। अब क्या कहता है, कहता है व्हाट वुड बी द कोड फॉर द फॉलोइंग कॉस्ट्स। ध्यान से सुनिएगा, सैलरी ऑफ अ ट्रेनी आईटी कंसल्टेंट, कहता है सैलरी है आईटी के कंसल्टेंट के ट्रेनिंग की। अब सैलरी फिक्स्ड होता है ना, तो फिक्स्ड को इनडायरेक्ट कहते हैं। अब ये आईटी वाला जो है ये क्या मटेरियल से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है या ओवरहेड से रिलेटेड है? ये ट्रेनी आईटी कंसल्टेंट, ये इंसान है। अब ये इंसानों को जो पैसे देते हैं वो लेबर कहलाती है। अब क्या कंसल्टेंट की कॉस्ट यूनिट के साथ बढ़ेगी? नहीं, ये तो सैलरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोड बनेगा कि ये लेबर है बी, लेकिन इनडायरेक्ट लेबर है तो इसका कोड बना बी 200। मैं रिपीट करता हूं कि आईटी का एक कंसल्टेंट था, तो कंसल्टेंट इंसान होता है, इंसान को जो पे करते हैं वो लेबर कहलाता है, इसलिए हमने इसे बी लिखा। लेकिन क्योंकि ये सैलरी है, सैलरी है तो फिक्स्ड को इनडायरेक्ट कहते हैं, तो ये बी 200 इसका कोड बन गया। प्लानिंग कॉस्ट टू रीन्यू द लीज ऑफ द एसेट ऑफिस। प्लानिंग कॉस्ट, हम प्लान करते हैं, तो क्या प्लान मटेरियल होता है, लेबर होती है? नहीं, प्लानिंग कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस होगा, यानी ओवरहेड्स वाली कैटेगरी में ये जा सकता है। किस चीज की, ऑफिस की बिल्डिंग को लीज कराना, तो ये ओवरहेड का कोड सी है और ये इनडायरेक्ट है, ये यूनिट्स के साथ वेरी नहीं करेगा। अब हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसे लीज के मतलब का भी नाम बताओ, तो मैं उनको बता देता हूँ। लीज का मतलब होता है कि जैसे आप बैंक से इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज ले लेते हैं, जैसे गाड़ी ले ली, बिल्डिंग ले ली, कि किस्तों में पैसे देते जाएंगे, इसे लीज कहते हैं। अब के लिए इसे इतना याद रख लें बस। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे मैनेजेरियल लेवल 2 में, इसी तरह ऑनवर्ड, तो आपको लीज प्रॉपर समझ आने लग जाएगा। वेजेस ऑफ द ऑफिस मैनेजर, वेजेस ऑफ ऑफिस मैनेजर। अब ऑफिस मैनेजर जो है वो इंसान है, लेबर है, तो लेबर का कोड बी है। अब ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? अच्छा, एक बात और, इंसान तो ये है लेकिन ऑफिस मैनेजर है और उसकी वेजेस हैं, तो ये ओवरहेड्स होगा, मटेरियल होगा या लेबर होगा? तो हम अपने उसी बेसिक क्राइटेरिया पे रहते हैं कि अगर वेजेस का वर्ड हो तो डायरेक्ट होता है, और अगर ये लेबर है तो जो लेबर है वो किस डिपार्टमेंट की लेबर है, और ये ऑफिस की है या फैक्ट्री की है, तो लेबर का कोड तो बी है जी, उसमें कोई शक नहीं है, हम बी लिखेंगे। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर है। अगर ये फैक्ट्री का वर्कर होता तो इसकी वेजेस डायरेक्ट वेजेस होनी थी। अब ये ऑफिस का वर्कर है, ऑफिस से मुराद है हेड ऑफिस, तो ये इनडायरेक्ट है, तो लेबर में इनडायरेक्ट का कोड होता है 200। ये हमारे इस सवाल में, हमेशा हर सवाल में ऐसा नहीं होगा। इसी तरह कहते हैं क्लीनिंग मटीरियल यूज बाय अ क्लीनर। अब मटेरियल का कोड ए है, लेकिन क्या क्लीनिंग मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल होता है? ये हमने पढ़ा था पहले। नहीं, हमें पता है कि क्लीनिंग मटेरियल सपोर्टिंग मटेरियल है, ये इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट का कोड 200 है, तो इसका कोड हो गया ए 200। तो बेटा कोडिंग से रिलेटेड आपको इस तरह का सवाल आ सकता है। आपने बड़े ध्यान से जज करना है कि कौन सी चीज किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। तो हमने सारी ट्रांजैक्शंस को वन बाय वन देखा, जैसे पहली सैलरी ऑफ ट्रेनी, तो ये लेबर बना। दूसरी प्लानिंग कॉस्ट, ये जो है वो आपके ओवरहेड्स बने। और फिर वेजेस आ गई, तो वेजेस लेबर है, तो ये बी बन गया।
क्लीनिंग मटेरियल, ये मटेरियल है, ये ए बन गया। और ये जो सारी चीजें बाय चांस इस सवाल में आई हैं, ये सारी की सारी इनडायरेक्ट थी, इसलिए सबके साथ 200 का कोड लगा दिया। अगर कोई डायरेक्ट होता तो 100 लगाते थे उसके साथ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 52। हाउ वुड अ क्लॉथ रिटेलर क्लासिफाई द फॉलोइंग कॉस्ट। क्लॉथ रिटेलर, अब उसने सिनेरियो बता दिया कि मैं किस सिनेरियो में बात कर रहा हूं, क्लॉथ रिटेलर। अब वो कहता है किस तरीके से क्लासिफाई करेगा वो इन चीजों को, मटेरियल लेबर एक्सपेंस के हिसाब से। डिजाइनर स्कर्ट्स, डिजाइनर से बनाई है उसने स्कर्ट्स, तो ये क्लॉथ रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल है। हीटिंग कॉस्ट, जिस तरह पाकिस्तान में गर्मी होती है तो दुकानदार एसी इस्तेमाल करता है, कूलिंग कॉस्ट उसे कहेंगे। यूके यूएसए में कनाडा में सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें हीट करना पड़ता है, तो इसलिए ये हीटिंग कॉस्ट लिखा है। तो हीटिंग कॉस्ट, कूलिंग कॉस्ट, ये एक्सपेंस होता है, ये मटेरियल भी नहीं है, लेबर भी नहीं है, ये एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्चर एंड फिटिंग्स, तो फर्नीचर वगैरह की, फिक्स्चर की जो डेप्रिसिएशन है वो भी एक्सपेंस होती है, ना मटेरियल है ना लेबर है। कैशियर स्टाफ सैलरीज, तो कैशियर स्टाफ सैलरीज जो है वो, तो ये लेबर हो गया। तो ये इस तरह का आसान सा सवाल था। Which of the following would be classified as direct labor? हमने direct labor को identify करना है। Personnel manager in a man company servicing cars, कहता है कार की सर्विस करती है उसका personnel manager। Personnel manager आप समझ लें कि HR head, human resource head। तो गाड़ियों की सर्विस करने वाली कंपनी में जो HR head होगा वो direct labor नहीं है। This is not a direct labor. Bricklayer in a construction company. हाँ ये सही है, यानी एक construction company में वो बंदा जो दीवार बनाता है, जो ईंटें लगाता है, तो वो construction company में direct labor होगा। General manager in DIY shop. तो general manager again हमने पढ़ा हुआ है कि ये general manager जो होते हैं वो indirect होते हैं। मेंटेनेंस मैनेजर, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी हमने पढ़ा है कि ये सपोर्टिंग रोल प्ले करता है, तो ये भी इनडायरेक्ट है। सो देयर इज ओनली वन डायरेक्ट लेबर, वो मैंने टिक कर दिया उसे, ये नहीं है, सी और डी नहीं है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कॉस्ट सेंटर्स, ये अब डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। कॉस्ट सेंटर इज अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज और अ प्रोडक्शन लोकेशन, ये आपको याद होगा, मैं पढ़ देता हूँ। सी ऑप्शन है, इसी की डेफिनेशन ही है कि फंक्शंस लोकेशन टू फॉर विच द कॉस्ट आर असर्टेन, ये इसकी डेफिनेशन ही थी कॉस्ट सेंटर की, हैंडआउट से देख लीजिएगा जी। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द टू आउटपुट लेवल ऑफ अ डिपार्टमेंट, कहता है अगर मशीन आवर्स इतने हैं तो ओवरहेड्स की इतनी कॉस्ट है, अगर मशीन आवर्स इतने हैं तो ओवरहेड्स की इतनी कॉस्ट है, बताना क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। जब भी दो लेवल दिए हो और उनकी कॉस्ट दी हो तो इसका मतलब है हाई लो मेथड का सवाल है, हमने फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हाई लो मेथड में हमें सबसे पहले पता था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करते हैं, वो होता है दोनों कॉस्ट का डिफरेंस 251,750 माइनस 246,500 डिवाइडेड बाय 18,500 माइनस 17,000। तो यहां से हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का आंसर निकाल लेंगे। मुझे जरा आंसर बताइए क्या आता है आंसर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। जी शाबाश,
3.5 क्या उसने हमें वेरिएबल कॉस्ट का पूछा है? नो, उसने तो फिक्स्ड कॉस्ट का पूछा है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए फाइंड करना है, b का आंसर 3.5 है और x अब हमने इनमें से कुछ भी ले लेना अपनी मर्जी से, तो मैं लोअर लेवल ले रहा हूँ 17,000, अगर मैंने लोअर लेवल लिया है तो ये 246,500 लिखूंगा वाई, तो मुझे यहां से बता दें जी फिक्स्ड कॉस्ट का क्या आंसर आता है। जी शाबाश 187,000। अच्छा ये इसको अब आपने अमाउंट इज द फिक्स्ड कॉस्ट, हम यहाँ पे लिख देंगे 187,000। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि सम टाइम टिक के अलावा वो इनपुट भी मांग लेता है, तो वो जो इनपुट होती है वो इनपुट जो है वो आपकी मैक्सिमम ये डिजिट की एंट्री है कि आपको एक ब्लैंक बॉक्स दे दिया जाएगा, उसमें आपने डिजिट लिख देना है जो भी आंसर आया। तो ये हाई लो क्वेश्चन अ किचन फिटिंग कंपनी रिसीव्स एन इनवाइस फॉर सब कॉन्ट्रैक्टर्स हु वर यूज्ड टू कनेक्ट द गैस सप्लाई टू अ कुकर इंस्टॉलर इन अ न्यू किचन। एक कंपनी है जो किचन की फिटिंग करती है, उसको एक सब कॉन्ट्रैक्टर से इनवाइस आई और उस इनवाइस किस चीज की थी कि वो एक ऐसे कंपनी की थी जो कुकर को इंस्टॉल करता है, यानी जो चूल्हे को इंस्टॉल करता है, उसकी इनवाइस आई किसको? एक कंपनी को। सपोज करें कि आपकी वो कंपनी है और मैं वो बंदा हूं जो कुकर इंस्टॉल करता है। आपने एक क्लाइंट ढूंढा, आपने कहा जी उस घर में जाके आपने कुकर इंस्टॉल करना है, तो मैं गया, मैंने वहां जाके कुकर इंस्टॉल किया, अब मैंने पैसे आपसे लेने, तो मैंने आपको वो इनवाइस भेजी, तो वो इनवाइस मैंने आपको भेजी, तो ये जो इनवाइस होगी ये आपके लिहाज से क्या होगी? देखें, अगर आप मुझे ना भेजते तो मैं आपसे पैसे ना लेता, या इस तरह कह लें अगर मैं कुकर इंस्टॉल ना करता तो मैं आपसे पैसे ना लेता। इट मींस मैंने इंस्टॉलेशन की तो मैं आपसे पैसे चार्ज कर रहा हूं, सो दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस। मैं लेबर नहीं हूं, लेबर क्यों नहीं हूं? आपको बहुत पहले बताया था कि अगर किराए पे लेबर लेके आए तो वो एक्सपेंस होता है और अगर अपनी लेबर हो तो फिर लेबर कॉस्ट है, याद होगा। तो आपने मुझे एक तरह से रेंट पे हायर किया मेरी कंपनी को या मुझे, तो मैंने जाके वो आपके हिस्से का काम किया तो मैं एक्सपेंस बना आपके लिहाज से। अब मैं डायरेक्ट इसलिए बना कि मैं डायरेक्टली रिलेटेड हूं टूवर्ड्स दैट जॉब, आपने वो मुझे काम दिया, उस काम के बदले में आप मुझे पैसे दे रहे हैं, सो दिस इज द डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये सवाल वही बंदा ठीक कर सकता था जिसका कॉन्सेप्ट सारा सही था, यानी जिसने ये समझा कि ये बंदा है ये लेबर है, उसने सी ऑप्शन टिक कर देनी थी। तो उसने वो मेरी एक छोटी सी बात जो मैंने किसी लेक्चर में बताई थी कि अगर किराए पे लेके आए तो फिर वो एक्सपेंस होता है, तो ये आज उसी चीज का उसने टेस्ट किया। A manufacturing company has four types of cost. अच्छा जी ये भी बड़ा मजे का सवाल है, आपको मैंने ऑलरेडी कराया भी था, देखते हैं कि कितने लोग इसको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। A manufacturing company की चार cost है, T1, T2, T3, T4, ये उनके नाम है जी। अगर 125 यूनिट बनाए तो ये कॉस्ट आएगी T1 की, ये T2 की, ये 3 की, ये 4 की, और अगर 180 यूनिट बनाता है तो ये कॉस्ट इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है।
हमने बताना क्या है, विच टू कॉस्ट टाइप्स वुड बी क्लासिफाइड एज बीइंग सेमी वेरिएबल। हमने सेमी वेरिएबल बताना है। आपको याद होगा मैंने आपको पहचान का तरीका बताया था, सबसे पहले डाटा में वो कॉस्ट देखें जो दोनों पे सेम है। क्या कोई ऐसी कॉस्ट है जो 125 पे भी वही हो और 180 पे भी वही हो? अगर कोई ऐसी कॉस्ट है तो वो फिक्स्ड है, तो सबसे पहले डाटा में से फिक्स्ड ढूंढें कि क्या कोई फिक्स्ड है। तो इस सवाल में हमें कोई भी कॉस्ट फिक्स नजर नहीं आ रही, तो इट मींस ये फिक्स तो कोई नहीं है इसमें। अगली चीज देखनी होती है वेरिएबल की। तो वेरिएबल की पहचान आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो पर यूनिट में कांस्टेंट हो। अगर मैं T1 की बात करूं तो T1 1000 है जब 125 यूनिट बनाए, तो पर यूनिट निकाल लें कि 1000 बनाता हूं, सॉरी 1000 कॉस्ट है कितने यूनिट की, 125 की, तो पर यूनिट बना जी 8 रुपए। और अगर मैं T1 को 1260 और 180 से डिवाइड कर दूं तो अब क्या आंसर आता है? तो अब आ गया 7। इसका मतलब है कि ये पर यूनिट में कांस्टेंट नहीं है। अगर पर यूनिट में कांस्टेंट होती तो ये वेरिएबल होना था। तो ये ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल है, तो पता चला कि T1 सेमी वेरिएबल है। जिन लोगों को थोड़ा सा मसला रह गया समझने में, उनको अभी मैं आसान कर देता हूं। अब हम देखते हैं T2 को। T2 जो है वो 1750 है जब हमने 125 यूनिट बनाए, तो ये पर यूनिट कितनी आई इसको देख लेते हैं। 1750 डिवाइडेड बाय 125 तो ये आंसर आया जी 14। इसी तरह जो T2 है वो 2520 है जब 180 यूनिट बनाए, तो पर यूनिट इसका भी देख लेते हैं। तो ये 14 आई, तो ये तो पर यूनिट में सेम है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। जो पर यूनिट में सेम होता है वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। इसी तरह T3 को भी चेक कर लेते हैं। 2475 को आप 125 से डिवाइड करें, तो ये आया 19.58। इसी तरह T3 है 2826 डिवाइडेड बाय 180, तो ये 15.7 बना। इसका मतलब है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। वैसे तो हमें आंसर मिल गया कि T1 और T3 सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि उसने कहा था मुझे दो कॉस्ट बताएं जो सेमी वेरिएबल हैं। सो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, T1 एंड T3 आर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब देखें कोई रटा रटाया कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा कि बताओ सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। तो आपसे आपके कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है, यानी सिर्फ रटने से गुजारा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से काम लेना है।
जी मैं बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर 58 आपने खुद करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहचान में हो जाएगा। 59 भी आप खुद करेंगे, हाई लो मेथड का क्वेश्चन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 60, अ कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल्स टॉयज एंड इंकर्स द फॉलोइंग थ्री कॉस्ट, रेंटल ऑफ फिनिश गुड वेयर हाउस, डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स ओन फ्लीट ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स, कमीशन पेड टू सेल्स स्टाफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कहते हैं कौन सी चीजें आएंगी। अब आपको पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हम किसको कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब है कि चीज बन गई थी, अब उस चीज को आप ने डिस्ट्रीब्यूट बाजार लेके जाना है। तो वेयर हाउस ऑफ फिनिश गुड्स वेयर हाउस की जो रेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, क्योंकि ये आपने इसीलिए रखा हुआ है कि आप इसने इन चीजों को पहुंचाना है। देन डिलीवरी व्हीकल्स की जो डेप्रिसिएशन है तो वो भी, तो इट मींस ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जो आपने कमीशन पे किया ना सेल्स स्टाफ को, वो सेलिंग कॉस्ट है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सेलिंग का मतलब है बेचने की कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट। तो डिलीवरी से रिलेटेड जो चीजें आएंगी वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 अगेन हाई लो मेथड का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आपने खुद से करना है। ये भी हाई लो मेथड का क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। ग्राफ वाले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा करा चुका हूं, आपने खुद से देखना है। ये 64 भी आप पे छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्शन कौन सी कॉस्ट है, एडमिन कौन सी कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी कॉस्ट है। मैंने इससे मिलती जुलती आपको एक एक्टिविटी कराई हुई है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन जब पढ़ाया था, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन वाली ही है ये। ये अगेन ग्राफ का क्वेश्चन अब मैं नहीं करा रहा, क्योंकि अगर मैंने ही करा दिए ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ सीखा है कि नहीं। हाई लो मेथड का क्वेश्चन है, ये भी आपने करना है, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ये भी आपने करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे ये सवाल हमें मिलेंगे कहाँ से, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन लेट किया, तो मैं बता देता हूं आपको। मैंने ऑलरेडी F2 ACCA की बुक और किट सेंड की हुई है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए हैं ये मैंने ACCA F2 कैपलन रिवीजन किट से कराए हैं। आपके पास वो रिवीजन किट है। क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट हुआ था पहला सवाल, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, और ये उस किट में पेज नंबर 12 है। और ये जो आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 67 है, ऑलमोस्ट 30 के करीब एमसीक्यूज हैं जिनमें से मैंने 20-25 करवाए हैं, और आपने 5-6 सवाल ये खुद से करने हैं। आपने ये प्रैक्टिस को कंप्लीट करना है। जिसको जो कंफ्यूजन आए वो मुझे कॉल करे काइंडली, मुझे व्हाट्सएप पे आप भेजते हैं तो वो मेरे ऑलमोस्ट 500 व्हाट्सएप अनरेड पड़े हैं, तो मैं समटाइम रिप्लाई नहीं कर पाता। तो अगर किसी ने कुछ समझना हो तो काइंडली कॉल किया करें मुझे, व्हाट्सएप पे कर लें, कोई इशू नहीं है, ताकि मैं आपको उसको एड्रेस कर सकूं। जी ये मैंने सारे एमसीक्यूज आपको बता दिए, ये इसके आंसर थे, वो जो हमने सारा कुछ किया। आपकी किट में भी ये सब कुछ मौजूद होगा। कल से हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, तो जो लोग अब पिछले टॉपिक में कुछ मिस कर चुके थे उनसे यही है कि अब आइंदा कुछ मिस ना करें। ये जो हमने पहले चैप्टर में चीजें पढ़ी है ना, ये बार बार अगले टॉपिक्स में लिंक होनी है, तो एक वक्त आएगा कि आपको ये चैप्टर सारा वहां पे भी रिवाइज हो जाएगा। तो कल से हम जो अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा जी मटीरियल्स, रॉ मटेरियल को हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में।
तो आपने आज बस ये एमसीक्यूज कैपलान वाले जो हैं ये आपने करने हैं जी, F2 कैपलान से मैंने ये काम किया है, और मैंने बाकी क्वेश्चंस आपके देख लिए हैं, क्वेश्चंस में ऐसा कोई नहीं है जो जो मैंने आपको। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें, आप जिस भी सेंटर से बिलोंग करते हैं आप अपने किसी क्लास फेलो को कहें कि वो ग्रुप में बता दे, आपको ऐड कर लिया जाएगा अगर आप रह गए हैं। वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को ऐड कर लिया था। सलाम सर जी। वालेकुम सलाम। टाइम हो गया जी? जी जी, बस करते हैं जी। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।